फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है Realme की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप Realme फैंस हैं, तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। सिंपली है, अगर आप लोगों ने Realme के फोन्स को इस्तेमाल किया होगा तो आप जानते ही होंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों लगता नहीं है कि Realme अब रुकने वाला है। इंडियन मार्केट में जो कमाल कर रहा है वाकई में काबिले तारीफ है। Realme एक ऐसा ब्रांड है जो आज Xiaomi को टक्कर देता है। और हाँ, Realme के फोन्स भी अच्छे होते हैं, स्पेसिफिकेशन, प्राइस सब कुछ जबरदस्त होता है। एनीवे, पॉइंट पर आता हूँ। Realme की तरफ से एक छोटी सी ऑफिशियल अपडेट आई है निकलकर Realme X2 Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही है जो इंडिया में XT के नाम से लॉन्च हुआ था, लेकिन XT के सक्सेसर के बाद अब बहुत ही जल्दी यानी अक्टूबर मंथ तक Realme X3 Pro लॉन्च हो जाएगा। बेसिकली चाइना में X2 Pro के नाम से जाना जाएगा। तो चाइना में इसका छोटा सा टीजर तो लॉन्च हो ही गया है। और इस फोन के सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग और अट्रैक्ट करने वाली चीज जो है वो है इसका प्रोसेसर। बताया जा रहा है कि Realme इसमें Snapdragon 855 Plus वाला प्रोसेसर इस्तेमाल करेगा। लेकिन देखते हैं ये प्लस क्या होगा, एग्जैक्ट Snapdragon 855 होगा या फिर इससे ऊपर का कुछ होने वाला है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा इसमें 90Hz की डिस्प्ले। कमाल है यार, ये चीज देखने लायक होगी। और दूसरी इसकी अच्छी चीज होने वाली है वो है इसकी स्क्रीन, 6.55 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, यानी तकरीबन 6.5 इंच की। हाँ, सुनने में साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन फुल डिस्प्ले होगा, बेजल्स बहुत ही मामूली से होंगे, साथ ही आपको नोच भी मिलेगा, तो साइज इतना बड़ा नहीं लगेगा। ओवरऑल हाथ में पकड़ने में काफी हैंडी होगा। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कलर OS 6.0.1 और साथ ही ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलेगा। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह सब कुछ इसमें होने ही वाला है। हाँ दोस्तों, मानता हूँ कि लीक्स कुछ थोड़ी ही निकल कर आई हैं, अभी कम्प्लीटली इसका स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया है। कैमरास कितने होने वाले हैं, कितने मेगापिक्सल के होने वाले हैं वगैरह वगैरह, तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो दोस्तों ये तो कंफर्म है कि इसमें Snapdragon 855 Plus करके कुछ ना कुछ तो आने वाला है। बाकी कैमरास के मामले में भी Realme काफी अच्छे फोन्स ला रहा है, तो दिवाली काफी नजदीक है, इसमें कोई भी डिले नहीं होने वाला है। ये अक्टूबर तक 100% इंडिया में लॉन्च होगा। बाकी लॉन्च होने के बाद देखते हैं फोन के परफॉर्मेंस में कितना दम है। तो बस आज के लिए यही टेक न्यूज थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। What?